तारीख हो चुकी है 24 नवंबर और समय है 9 बज रहे हैं। हेलो, स्पीक इंग्लिश? यस। ओह वाओ, हाय गाइस, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राज। माय नेम इज रोबिन। माय नेम इज सुकले। सुकले, माय नेम इज विचार। विचार, गिव मी हाई फाइव। ओके, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग? Why are you drinking? I got the name. The crowd. The coffee. Coffee? Yes. So small. Coffee. Coffee. भाई साहब, मैं कंबोडिया पहुंच चुका था। कल रात जब मैं पहुंचा कैब के बाद, जब आपने देखा सनसेट हो चुका था, उसके बाद मैं लिटरली बहुत टायर्ड हो चुका था। थोड़ी देर और बैठा, उसके बाद मैं कंफर्ट आ गया। कामपुर तो आया क्योंकि यहाँ पर मेरी जो थी बुकिंग थी, लेकिन इससे ज़्यादा एक और बात थी कि जो कामपुर है वो थोड़ा सा लेट बैक है नज़ारा हमारे गेस्ट हाउस से। ये हमारी कॉटेज है और किराया सिर्फ $3 डॉर्मेट्री का। तो हम यहाँ पर रुकने वाले हैं आज के दिन, कल हमने वापस जाना है। बनियान ट्री गेस्ट हाउस पूरा का पूरा ग्रीनरी से सराउंडेड है। उधर बोकोर पहाड़ है, ये हमारी रामप्यारी, यहाँ पर हमारी बाइक लगी पड़ी है। फिलहाल मैं जाता हूँ कुछ खा लेता हूँ। इज इट जस्ट दिस? यहाँ पर ऊपर बैठने का भी है, उधर पूल है, पूरा का पूरा रिवर साइड है, ये हट्स है और ये सारा रहने का इंतजाम है। Wow. So nice, man. Really, really nice. मेरा कहीं जाने का मन नहीं किया, तो मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। फिलहाल डेटा कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पर बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। ये छोटे छोटे सिम कार्ड्स, ये देख रहे हो, मैं जो बैठा हूँ ना, जिस पानी के ऊपर बैठा हूँ, और एक बार भी अगर ये गिरा, हमेशा के लिए डेटा गायब। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें यहाँ पे। आपको भूख लग रही थी, यहाँ पे आया हूँ। ये कंपोर्ट से इधर से रास्ता चला जाता है, गोलंबर के पास हूँ डॉलर शॉप में। खाना खाने आया तो ये चिकन और राइस खा रहा हूँ मैं, ये पूरा अदरक है। खाना जो है भारतीयों के हिसाब से बना हुआ है और काफ़ी भारतीय टेस्ट है। फुल ऑन अदरक है, मज़ा आता है। $1 मैं कोर नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ वेजिटेरियन डाइट अपनी इंक्लूड करने के लिए। साथ के साथ ये देते हैं, टी है, इसमें गर्म है, आइस देंगे। आइस तो खैर वियतनाम में भी बहुत कॉमन है। खाना बड़ा अच्छा है। इमरजेंसी के लिए मैंने $100 रखे हुए थे, बाकी कुछ भी उस वाले बॉर्डर पे एक्सचेंज ही नहीं करा पाया भाई, कोई था ही नहीं एक्सचेंज कराने के लिए। अरे नहीं करा पाया, मारा भटक रहा था। जो एक जगह मैंने 100,000 वियतनामीज़ डॉन्ग चेंज कराया, जिसको मेरे को 4.5 डॉलर के आसपास होता है, मेरे को $4 मेरे को मिले। दूसरा कंपोर्ट मेन सर्किल पे गया, जहाँ पे ATM वगैरह है, वहाँ पे पूछने लगा, तो एक मनी एक्सचेंज शॉप पे गया, उन लोगों ने साफ मना कर दिया। लेकिन एक भाई बैठा था, वो कहता है यार ये तो नहीं करेंगे, मैं कर दूंगा आपके लिए। मैंने दे भाई, तो अपने पास हुए 20 और 4 $24। $24 के अंदर हम ये दो दिन काटने वाले हैं, जिसमें खाना वहाँ खाना सारा कुछ इंक्लूडेड है। इवन हॉस्टल का खाना ज़्यादा महंगा था, 2 अंडे और 2 ब्रेड, 2 पीस ब्रेड, भाई साहब $1.75, और ये सारा खाना $1। खाना फिनिश करता हूँ। कल रात पूरी बारिश हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे।
जब मैं पहली बार कम्फर्ट आया था भाई साहब, पहली रात को इतनी खतरनाक बारिश हुई थी। आज अपने को वापस जाना है वियतनाम, अभी सूर्योदय होने वाला है। देखो मेरी बेवकूफ़ी, मेरा हेलमेट गीला है। सैटरडे आया यहाँ पे, कल संडे हो गया, आज है मंडे, अभी बैठा हुआ हूँ। मेरे को आज वियतनाम में पहुँचना है बाय द वे, वो भी एक स्कूटर पे। भाई यहाँ पर शोर इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। ओके भाई लोग, तो हमारे साथ और भी लोग हैं, ये भाई साहब यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। I'm just saying in my language that you're here to travel. Half French, half Portuguese. Half Portuguese. Well, can you tell me something about yourself? I'm a stand-up comedian. Stand-up comedian. Yeah. Wow. Do you have something for us? Don't ask me for a joke now, please. If you want a joke, just come to Melbourne. Okay. Oh, wow. Melbourne. Yeah. Have you been to Australia? Not yet. Australia's good, man. Yeah. Australia's fucked up. Yeah. Yeah. How long have you been traveling around? Many years now. I've done 1 year in the US, 6 months in Brazil, and 1 year in Australia so far, and other countries, but less time. Vietnam, 1 month. Uh-huh. Your home. Yeah. And now Cambodia for 1 month with that count over there. You guys going to the Booker? Yeah. Okay. Yeah, looks awesome over there. Yeah. I have a friend, an Indian guy. Pretty weird, but he gave me some good tips apparently for some view spot. Who would that be? Next to me, I guess. Check out vlogs. Good luck. Cheers, bro. Cheers, man. Nice meeting you. Yeah, likewise. Good night. Yeah. Thanks. Safe ride. See you. Yeah. Packing कर ले. Packing का समय हो चुका है. ज़्यादा कुछ है नहीं pack करने के लिए हमारे पास. ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे student ने gift किया मुझे. Comment में बताना कैसा लग रहा हूँ. मैं अपना अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा और सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। लेकिन ये बैग मतलब लिटरली ख़तरनाक है। दो एक्सेस दिए हुए हैं यहाँ पर, मैंने अपना पेन डाला हुआ है और काफ़ी कुछ यहाँ पर, फ़ोन डाल सकते हैं आप, चार्जर डाल सकते हो या पूरा पावर बैंक आ जाता है। ये खासकर पावर बैंक के लिए है, लेकिन मैं बताऊँगा इसमें क्या ट्रिक मैंने यूज़ की। काफ़ी सस्ते में मैंने इसको ख़रीदा, हालाँकि है तो ये काफ़ी महंगा। पानी वगैरह फ्री में मिल जाता है तो अपना रिफिल कर लो। बॉटल अगर आपके पास है, मैं तो यार प्लास्टिक के बॉटल यूज ही नहीं करता। कैन आई रिफिल वाटर? कॉपर, यू वांट टू सी? से हाय टू द कैमरा। हाय। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैं कोशिश करता हूँ प्लास्टिक वाटर बॉटल कहीं भी परचेज नहीं करने की और अपनी हमेशा ये जो कॉपर वाटर बॉटल है इसको रीफिल करने की। कॉपर में एक खास क्वालिटी होती है कि आप इसमें पानी भर के रख दीजिए ओवरनाइट, ये जो है इसको प्योरीफाई करता है और आपके इम्यून सिस्टम को, अगर आप सुबह सुबह लेते हो इसको हर दिन, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देता है। बाय, लव फ्रॉम कैम्बोडिया, बनियान ट्री, डू कम बाय। इसको यहाँ पर लगाया, इसको निकाला। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 8,000। 8,000 का मतलब $2। उसके बाद जो है डॉलर का बड़ा बिल है और वियतनामीज मनी है। वैसे मुझे चाहिए नहीं, $2 में फ्यूल जो है ये इतना सारा फुल है, आराम से मैं वियतनाम पहुंच जाऊंगा। बॉर्डर पे जो है, वियतनाम बॉर्डर पे वियतनामीज करेंसी ले लेते हैं, फाइट नहीं करते। हाँ, हालांकि एक आधा डॉलर ऊपर ही वो लोग वो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज उसी हिसाब से उन लोगों को मिलता होगा, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल जाता होगा, बट ले लेते हैं तो इसकी फाइट नहीं है। ये भी व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा है। मॉर्निंग का व्यू काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी नॉइज़ है,
हम चलते हैं। Wow, this place is insane. Lotus. Full lotus. Money, what will you do? What will you do with money? Yes. What will you do with money? You want to eat? You want to eat? Eat? Eat food? I take you to eat food? Eat food? No money, but I buy you food. Food? माने दरवाजा खुला हुआ तो भाई आराम से अंदर चला गया यार। मेरे पास $2 बचे हुए हैं भाई। ओके बट यू गो एंड यू बाय। ओके वेट, I'll give you $1. $1, okay? 1, 2, 3, 4. You say thank you? Hello? You say thank you? Thank you? Thank you to bolde bhai. Bye. Eat food, okay? पता नहीं क्या करेगा। यार मोटर बाइकिंग करने का मजा ही कुछ और है। मैं क्या गाड़ी उठाओ कहीं भी चल दो, कोई टेंशन नहीं है आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। गाड़ी देखो एकदम खतरनाक वाली है। अभी भाई फुल ऑन रेस कर रहे हैं इसके नाम। पक्की है, पक्की पक्की। यहां से क्या बीच की शुरुआत हो चुकी है। काफी सारे रिजॉर्ट्स हैं, इस सारा का सारा ये स्ट्रेच कर रहे हैं, बना रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा। उधर भी अभी ये सारा कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन ये लोग कर रहे हैं, जैसे वियतनाम में दानांग वगैरह में बीचे थे उस तरीके से बनाने की कोशिश है। चाइना फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है, खरीद रहा है, खरीद रहा है धीरे धीरे कंबोडिया को। अच्छा, हमीर लोग अपना आराम से यहाँ पर साइड में बैठ जाते हैं। यहाँ पर चेयर्स वगैरह भी है, जितनी भी लगी हुई हैं छाँव में बैठने के लिए सारी रेंट पे हैं। तो आप जाइए कहीं भी, अपना पॉइंट चूज़ कीजिए, सामान रख दीजिए, रेंट पे कीजिए और बैठ जाइए। ये सारा का सारा कैप नेशनल पार्क है और हम इसका चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद निकल जाएंगे हम अपने रास्ते। तो ये अगर मेरे मैप पे देखो तो ये रहा, ये मैं हूँ कंबोडिया में और ये वियतनाम बॉर्डर है। हातियान कैसीनो वो सामने दिख रहा है, मैं एक्चुअली मीटर्स की दूरी पे हूँ यहाँ से। सामने आ गया है मेरा कंबोडिया का बॉर्डर। वाला एक दर स्टैंप लग गया है, बस वियतनाम तो वीजा लगना बाकी है।
ओ भाई सामने आ गया बॉर्डर वियतनाम का। अब अपन वियतनाम में एंट्री मारेंगे। ये वियतनाम आ चुके हैं हम। वीज़ा उन अराइवल नहीं देता, इसलिए पहले से वीज़ा लेटर जो है लेके आना पड़ता है। मैं अपना लेके आया हूँ। कहाँ किया यार? इसी के साथ दोस्तों हमारी वियतनाम में एंट्री हो चुकी है और ये रहा हमारा वीज़ा। चलें, बहुत लंबा सफ़र तय करना है। इधर फुवक आइलैंड है, ये हाटियन वाला एरिया पड़ जाता है, हाटियन बॉर्डर। ये वाला जो साइड है ये काफ़ी सीनिक है, पूरा सी साइड है, हवा वगैरह चलती रहती है मस्त। थोड़ा दूर आगे जाके रुकेंगे, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन घर पहुँचने के बाद जो मेरे साथ हुआ वो मेरे को लेके जाने वाला था अगले दिन पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ। आगे की कहानी हम वहाँ से शुरू करेंगे और बताएंगे क्यों हम पहुँचे पुलिस स्टेशन। फिलहाल के लिए तो मैं राज सिंह आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।